नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने संबंधी प्रावधान को लेकर मध्य प्रदेश में सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। छतरपुर के मुस्लिम समाज ने संशोधित नागरिकता कानून को शरणार्थियों के लिए एक बेहतर मानवीय पहल बताते हुए इसकी सराहना की है। आइए सुनते हैं छतरपुर के मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया। भारत सरकार को चाहिए कि वो एक अपने मंच से, चाहे वो मन की बात हो या अन्य कोई शासकीय आदेश हो, जिसको संपूर्ण भारत में भेजा जाए और लोगों को बताया जाए, जिससे लोग सुने और उसको समझें। और इस तरह से लोग जब समझेंगे तो शांति अपने आप ही बन जाएगी। तो हम उनसे यही चाहते हैं, यही उम्मीद रखते हैं। हमारी कौम आज भी उनको मानती है। अगर वो केवल हमारी कौम जो भ्रमित है, तो उनके द्वारा कोई संदेश जारी नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी अगर आज एक देश के नाम संदेश जारी कर दे कि इस तरीके से किसी के भी साथ, किसी भी मुस्लिम भाई के साथ कोई इस तरीके से नाजायज नहीं होगा कि उनको यहाँ से निकाला जाए या उनके साथ जास्ती की जाए, तो इसमें सारी कौम आज भी जिस तरीके से रोडों पर है उनको विश्वास नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरीके का कोई संदेश जारी कर दें, जिससे हम लोगों को विश्वास हो कि नहीं भाई, हम लोगों के साथ इस तरीके की कोई घटना नहीं घटेगी, ना ही हम लोगों को बाहर निकाला जाएगा। सीए से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो माइनॉरिटीज हैं तीन देशों में, अगर वो सताए जा रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। बांग्लादेश के लोग जो घुसपैठिए हैं, उनको भगाने में हम सरकार के साथ हैं। नहीं, कोई भ्रम नहीं है, सभी लोग प्यार मोहब्बत से वर्षों से रहते आ रहे हैं। हम लोगों को कभी एहसास नहीं होता है, बल्कि हमारा शहर तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ हम लोग उनके त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, वो हम लोग के त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। नफरत की कोई बीच बात ही नहीं है। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, और मैं मुसलमानों से नहीं बाकी सारे लोगों से अपील करूंगा, अपने हिंदू भाई बहनों से और सारे धर्म के लोगों से अपील करूंगा कि हमें जो है सीए, एनआरसी हो या जो अभी एनपीआर आ रहा है, इसमें हम सरकार का सहयोग करने के लिए सारे लोग।